इनको पहनने के लिए मैं बोलता हूँ गाड़ी को छोड़ो, गाड़ी पे बैठता हूँ तो ज्यादा ही जोशीला हो जाता हूँ मैं, पैदल रस करेंगे। लेकिन मेरे को क्या पता था ये पहले ही पहुंच चुके हैं। तो भाई लोग कैसे हो, तो वेलकम दी बैक और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू बजवी के गेम प्लेयर पे, जहाँ पे ये नल्ली गाड़ी के चलते है तुम्हारे भाई का चिड़ा डेर हाथ से जाने वाला था। अब देखो ये गाड़ी पे पैसा फूका है, थोड़ा टाइटल पे तो डालना पड़ेगा, थोड़ा डालना तो पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे मैं उतर रहा ये बॉल विलेज पे, ड्रैगन के विलेज पे, आते ही देखता हूँ बंदूक लगती है डीपी हाथ में मेरे, एक को दिया, दो को देने की कोशिश थी नहीं दे पाया और ये बैठा पीछे डैमेज देता है। और इसी के साथ इस बंदे की बंदूक सीधा रिलोड पे चली जाती है, इनने आधी से ज्यादा गोली फ्री फायर पे डाल दी। मैं दीवार के पीछे बैठा देख रहा हूँ ये क्या कर रहा है, फ्री फायर दे रहा है, बेटा ये फ्री फायर काम नहीं आएगा मेरे सामने। क्या बैठा होगा इस, यहाँ पे इसकी पेटी डाल के थोड़ा इधर की ओर चल देता हूँ, और किल चाहिए अभी। ये क्या है ये दो किल, और ये बच्चा कैसे ड्रॉप शॉट देता है मेरे को, लेकिन रुक जाओ ये भी गया। अब इन दोनों की यहाँ पे पेटी पैक करते हैं, बाकी बंदे आ गए इनके टीममेट और ये रिलोड पे गई, एक और डाउन, राइट से आता है कोई, उसको भी डंडा दिया अभी। और यहाँ पे पेटी ये इसी के साथ पेटी डल जाती है मात्र 5 के लिए। क्या है 5 के लिए, इससे क्या होगा। खैर फिलहाल मैं हील कर रहा था, इतने पे ये आ जाता है इधर। अब इसकी पेटी मैं पैक करता हूँ, देखो दूर से कोई M16 चला रहा था, कोई बात नहीं उसके भी डंडा देंगे, तुम टेंशन ना लो, M16 वाले के भी डंडा पे लेंगे। पहले जरा हील पे लूँ, हेलमेट वेस्ट के नाम पे कुछ नहीं है, बिल्कुल नंगा फिर रहा हूँ, मजाक सट के कुछ भी नहीं है, खाली लड़ रहा हूँ, 6 किलो गए चाहिए ना आप। लेकिन देखो यहाँ पे मैं DP वगैरह रिलोड करता हूँ, AK वगैरह उठाता हूँ, क्योंकि ये DP और M249 रिलोड करते हुए मेरी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन ये रिलोड होना पूरा ना होगा कभी। खैर आटा अभी M249 हो ही गई रिलोड 1 साल बाद, आगे पे रस करता हूँ, ये बड़े वाले पे काफी बंदे आते हैं, अब करना क्या था यही चल दो। ये गया, इसको पकड़ा, पेटी पैक करने जाता हूँ। अब देखो पेटी पैक करते मैं भाग जाता हूँ सीधा अंदर के लिए, क्योंकि कुछ बंदे अंदर भी बैठे हैं, उनके भी पेलना तो पड़ेगा। फिलहाल के देखो रिलोड वगैरह करता हूँ, एक ये संजू बीन खा रहे, बीन खा के उसके बाद बरस करूंगा। तो आया मैं ध्यान से फुटी स्टेप सुनता हूँ। अब हमारे भाई यहाँ पे कैमरा वैमरा डालते हैं, और ये नल्ला 1 HP था और ये नॉक हो जाता है इसकी तो ऐसी तैसी, कोई बात नहीं पेलेंगे इसको भी। इसकी मैं पेटी पैक करता हूँ, ये यहीं बैठा था, लेकिन किल मेरे को ना मिलती। खैर वाडा 7 किल करके यहाँ पे मैं बैठा पड़ा था, इससे कैसे काम चलेगा मेरे ताऊजी। अब यहाँ पे कोई लैंड होते हुए भी दिखा मेरे को बगल पे, अब मेरे ख्याल से पेड़ पे कोई है यहाँ पे। देखो मैं तैयार था पेटी डालने के लिए, ये भाग जाता है, बिल्कुल चूक गया मैं थोड़ी देर से, लेकिन कोई बात नहीं, पीछा चालू करता हूँ मैं इसका। अब इसको पकड़ा, कोई ऊपर आ चुका है, और कोई यहाँ पीछे भी आ चुका है, तो देखो एक जगह पे पहले पकड़ता हूँ इसको, इसको पकड़ के इसकी पेट डालते हैं। अब मेरा टीममेट या नॉक हो जाता है। अब करना क्या था, देखो कवर देने के लिए मैं यहाँ पे तैयार था बिल्कुल, कि जैसे ही अगर कोई आएगा भागते हुए कवर दे दूंगा मैं। अरे मेरे कद्दू का कवर मेरे टीममेट की पेटी उसके बावजूद डल जाती है, पता नहीं कहां से आ गया कोई पेल गया। अब यहाँ इसको तो दिया मैं, इसको नॉक करके पेटी भी डाल दी इसकी, लेकिन ये देखो कोई पीछे से UMP मारता है, प्लस ये आगे से भी एक बंदा है, तो आप लोग ओपन में ज्यादा फंस गए थे इसमें यार। इस पर तुमको रिस्क लेने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा, लेकिन तुम बाहर जाओगे तो फंसने का बिल्कुल 100% खतरा है, मतलब फंस सकते ही हो, तो ये दिक्कत की बात भी है। लेकिन रिस्क है तो किल है, यस रिस्क है तो किल है। खैर वापस है यहाँ पे मैं लैंड करता हूँ बेसरमों की तरह, यहीं पे पिटा था, यहीं पे तीनों अपन वापस आ गए, कोई बात नहीं, किल वही धरी की धरी रह गई 11 की 11। अब यहाँ पे देखो UMP मेरे को मिलती है फटाक से अपनी ही पेटी से, लूट उठाता हूँ, मेरी लूट थी नहीं है मेरे भाई, लेकिन कूड़ा था बस, मेरी पेटी पे मात्र कूड़ा बच गया था।
और यहाँ पे देख रहे हो 3-4 बंदे एक साथ बैठे पड़े, इतने तनातन गोली चला रहे। खैर कोई बात नहीं, इनके मैं डंडा दूंगा, हील की जरूरत है तो सही मेरे को, लेकिन ज्यादा कुछ है नहीं। अब देखो एक बात का डर मुझे सता रहा था, इसी बात का, यस इसी नेड का डर। लेकिन हमारे भाई सवाल लेते हैं, ऐसी साला भाई थी, इतनी सी एचपी पे था लेकिन बच गए। नेड गॉड बनना चाहता था, एक नेड से इसने 2 नॉक किया हमारे। लेकिन कोई बात नहीं, अपन पहले के गाइस टेंशन ना लो। खैर इसी के साथ देखो मैं हील यहाँ पे हो जाता हूँ, पेटी पुटी डालना चालू करता हूँ क्योंकि किल तो वापिस उठानी है। एक ये नल्ला बॉट था इधर, इस बॉट को भी पेलता हूँ। यस आई मेक पेटी, पेटी पेल के अभी देखो मामला खाली नहीं हुआ है, बंदे बैठे आगे। मैं बस देख रहा हूँ कि भैया जाए कहाँ से जाए, बंदे है का एक बार और ये छलक दिख रहा था, सीधा उड़ते हुए रस कर देगा मैं। लेकिन अभी उड़न तस्तरी नहीं बनूंगा, शांति थोड़ा सा शांति। अब इसके देता हूं डंडा, बिल्कुल ये नॉक हो चुका है। दूसरा राइट से आया था उसके भी देता हूं मैं। हमारे भाई देखो उड़न तस्तरी लेके कहां चले गए, साले आगे रस करता है, वहां पे कौन है। लेकिन यहाँ पे भागना चालू करता हूँ, उड़ते हुए जाता हूँ कुत्ते उड़ते तीर की तरह इधर, और ये पैक करता हूँ। क्या बात है, ट्रिक शॉट कर रहा है तुम्हारा भाई, देख रहे हो बिल्कुल। उड़ते हुए बंदे की पेटी डाली और जमीन पे पाव ना रखा मेरे भाई जी, ना ना ना, सीधा गड्डी के अंदर। लेकिन उसके बाद में उतर गया क्योंकि लूट भी दबानी थी। लेकिन यहाँ पे आखिरकार थोड़ी ढंग की लूट मिलती है, सालों ने मेरी लूट चुरा ली थी गाइस, मेरी पेटी से M4 अभी तक हाथ नहीं लगी है, ये सगारिल से ही काम चला रहा हूँ। लेकिन जो है सो है। खैर बड़ा देखो यहाँ पे मैं ऐसी स्किन देख रहा था कौन कौन सी लगी है, मेरी बुगाट्टी का चली गई, ये नली कॉरी जैक लगा दिया, व्हाइट वाली मेरी बुगाट्टी का है। लेकिन खैर बड़ा ऐसी मैं भटक रहा होता हूँ, घूम रहा होता हूँ, ये गड्डी सबसे बेस्ट है जितनी भी सकी नहीं, बुगाट्टी बहुत महंगी पड़ी मेरे को, लेकिन यार ये बेस्ट है, कुछ भी कहो बेस्ट तो यही गाड़ी है। अब यहाँ पे गाड़ी आती है और ये देखो उतर गया ये, अब ये उतरता है, मैं एक गोली मारता हूँ, नॉक हो गया बेचारा। इसकी पेटी डालते हैं, इसके टीमेट लोग ऐसे बेशरम निठल्ले भाग गए इसको छोड़ के, सोचा भी नहीं कि रोक लूँ एक बार अपार्टमेंट पे रोक लूँ, गायब, बिल्कुल गायब ही हो गया, यहाँ से है ही नहीं, पता ही नहीं है बंदा गायब गायब हो चुका है। पीछा करता हुआ इस गाड़ी से पूरी तेज भाग के हम लोग पीछा करते हैं, कद्दू ना मिलते हो। कह रहा उसके बाद यहाँ पे मैं रिकॉर्ड पे आया था, एक आध नल्ले बंदे पहले, ज्यादा कुछ खास फाइट नहीं थी इधर। लेकिन आगे पे होगी तोड़ फाड़ फाइट, काफी ज्यादा बंदे हैं। DPS मजाक सेट के मेरी फट गई थी, जैसे इसने DPS खोला मेरे मुंह पे, मैंने बोला भैया हो गया काम, बच गया। और ये सब तो ठीक है, ये कार लगे क्या, ये कार वाला क्या कर रहा है, मेरे को लगा ये कार जो है अपने ही टीम की होगी, मेरा कद्दू वो किसी और की टीम का है वो कार वाला, रुक जा इसको दंड देना पड़ेगा। तो हाँ दंड देने के लिए पीछा करता हूँ, अरे ठिल जा, ठिलता क्यों नहीं, आखिर क्या, आखिरकार इसे डंडे देता हूं मैं, इसकी पेटी पैक हो गई। अब देखो इस इनका एक बंदा रिकॉल पे गया था, मैंने बोला करने दो, लेकिन ये बेशरम तो यहाँ पे आके लेट गया, साले रिकॉल दबाता अब क्या कर रहा है यहाँ पे लेट के। तो हाँ इट वॉज अ बैड बाय गाइस, 24 किल मेरे हो चुके थे, अभी भी काफी मौका है 40 किल किया जा सके इस मैच पे भी, लेकिन खैर बहुत ही दिक्कत हो जाएगी आगे क्योंकि मैं नलबाजी करना चालू करूंगा। खैर अड़ा यहाँ से मैं ओम लूटता हूँ फटाक से, जो भी ओम की गोली पड़ी हो उठाता हूँ और चल देता हूँ बाकियों पे रस बोलने के लिए, देंगे डंडा टेंशन मतलब। खैर अभी देखो ये इन्होंने बुलाया शिरोन, लगता है वे चोरी करने पड़ेंगे, इनको शर्म नहीं आती, ये बार बार ये शिरोन बुलाते इधर छुप के, लेकिन मैं हर बार पहुंचा रहता हूँ इनकी विषय चोरी करने। खैर देखो ये ड्रैगन आ गया, इसने मार दी क्या और विश इसने मांगी नहीं, शायद से मैं नॉक कर देता हूँ। तो हाँ इससे पहले विश मांगे, इससे पहले सोचे भी विश मांगने की, इसके पीछे विश मैं भर दूंगा काटू करके, रुक जाओ। अब एक की बेटी पैक की, दूसरा बैठा कैप्सूल के अंदर, एक हेडशॉट दो बॉडी शॉट लग चुका है इसको, आग डालता है बेटा आग का और सो जा चल, भागने की कोशिश में था बेटा लेकिन आज नहीं भाग पाओगे तुम। और विश हमने चोरी कर दी गाइस, सप्लाईज मंगा लेते हैं, वैसे ऐसा कुछ खास जरूरत थी नहीं सप्लाईज की, लेकिन मंगा लो दिक्कत क्या है, विश पड़ी है बर्बाद क्यों करना।
तो हाँ ये सप्लाईज मांगा कि अब यहाँ पे लूटने बैठता हूँ मैं, क्या रोड़ा हुआ यहाँ से लूट उठा के जाना, कुछ खास था नहीं, वेस्ट वगैरह लेता हूँ, उसके बाद बंदूक में यही रखता हूँ, M4 और ये AWM चलेंगे, इट इज गुड कॉम्बो, आई लाइक दिस कॉम्बो बाय गाइस। यहाँ पे देखो फ्लेयर वगैरह भी गिरी थी, पता नहीं किसकी थी, लेकिन अब फ्लेयर भी पड़ी थी इधर, खैर अपने को फ्लेयर से क्या लेने देना, मैं चल देता हूँ आगे पे रश करने के लिए। और ये देखो यहाँ पे मैं बोलता हूँ गड्डी रोकी जाए स्नाइपिंग, ये देखो ये कमर लचका के पीक करता है, डंडा देता हूँ इसके। अब ये दूसरा भग लिया, इसको भी पहले के गाइस टेंशन, मतलब भाग रहा है वो नल्ला गई का, पहले की कोशिश मैं करता हूँ, भाग रहे दूसरा, और अब ये लगभग खिल चुका है, और हाँ इसको मैं टाइम पास करके एक आध नल्लों की तरह गोली मार के एक आध गोली चला के इसकी पेड़ डालता हूँ। देख लो इस पे भी AWM पड़ी है, ये AWM ये AR ये सारी गने बहुत सस्ती हो गई है इस मोड में, जहाँ देखो वहाँ पे लूट पड़ी रहती है, पेटियों के अंदर भी लूट मिलती है तो बहुत ज़्यादा है। और ये एक नलबा जुड़ के इधर आया, लगभग मैं ही ठिल जाता यहाँ पे अगर थोड़ी और नलबाजी करता, लेकिन इसको भी पे लेता हूँ गाइस, कितने किलो गए अपने 30 किलो इज ओके, 40 किया जा सकता है, अभी 40 के लिए भागेंगे टेंशन, मतलब यहाँ से देखो मैं आगे रश करने के लिए जा ही रहा हूँ, देख रहा होता हूँ कहाँ पर बंदे, वो देखो सामने मोनेस्टर ट्रक लगा पड़ा है, अब ये बैठे, अब ये शॉट देखो तुम, ये शॉट हेडशॉट कैसे नहीं था, बज भी बस मेरे को इतना बता दो ये हेडशॉट कैसे नहीं था, व्हाई हाउ इज इट नॉट हेडशॉट, व्हाट इज दिस बिहेवियर पैटर्न, क्या बड़ा एक आध बॉडी शॉट पे देता हूँ, लेकिन हेडशॉट की तलाश में था भाई, जैसे हेडशॉट लगे बिल्कुल रस कर देंगे, दिक्कत की क्या बात है, लेकिन किस्मत थोड़ा साथ देनी रही होती यहाँ पे, छेक से बस नलबाजी करता रह गया मैं इधर, लेकिन आखिर क्या रेड शॉट लगता है, आ जाओ रस करने के लिए, तैयार बिल्कुल तैयार था मैं एकदम रस के लिए, दूसरा रेड शॉट पहले की कोशिश थी, लेकिन यार ये बंदा हर बार बच जाए, मैं बड़ा पाड़ देगा हेडशॉट, मैं रस करूंगा अब, और इतना उड़ने पे ही मेरी की खत्म हो जाएगी, शक्तिहीन हो जाऊंगा मैं, अब बच गया, अच्छा हुआ लेट गया, नहीं तो खत्म था मैं, अब ये बॉडी शॉट देता हूँ, पेटी डाल देंगे अभी, लेकिन AWM के बॉडी शॉक से नॉक ना हुआ, क्या रहा अभी देखो ये संजू बीन खाता हूँ इनका, एक और बंदे यहीं पे बैठा है, उड़ के देखेंगे कहाँ है, फिर से उड़ चला भाई, ये देखो यहाँ पे ये बैठा पड़ा, अब मैं इसको हेडशॉट पे देता सीधा, लेकिन AWM पे गोली ही ना थी माय गाइस, इट वाज बैड, इट इज व्हाट इट इज, यहाँ से मैं देखता हूँ कहाँ बैठा है, ये देखो अच्छा जी, तो बंदा फीक करके बैठा इधर, मैं क्या मैं डालता गाइस, लेकिन खत्म हो चुका था, तो ये डालता हूँ नेड, अब देखो नेड गॉड बाजी दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ये और ये फेंका स्टाइल, देखो हिलता है मतलब नेड होते हुए नहीं दिखाऊंगा मैं तुम्हें, मैं आपका थोपड़ा दिखाऊंगा यहाँ पे नेड करने के बाद, अब सामने से किसी को खुजली हुई, किसी ने गोली चलाई, बेटा ये गलत किया तुमने, ये खुजली तुम्हें मिटानी पड़ेगी, लेके देखो इससे पहले मैं खुजली का हल निकाल पाता, ये बंदा मेरे पे रस कर देता है, यस मैं यहां से देख ही रहा था, ये कहा इसका थोपड़ा दिखे तो मैं पहलू, ये उड़न तस्तरी बनता है और मेरे पे रस कर देता है, ये देखो उड़ते हुए आता है, शॉट मिस हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, बॉडी शॉट, ग्रोजा बॉय है बेटा, तो ये ग्रोजा बाजी ना मेरे सामने मत करना, दे दो इसके भी डंडा, हील करता हूँ, इट इज फाइन, ये यहाँ से उड़ गए, सोच रहा था ट्रिक लगाएगा मेरे ऊपर ही आएगा, अब खैर देखो यहाँ पे मैं उड़ा तो था, पता नहीं लैंड कैसे हो गया, उड़ के मैं जाता हूँ जोन के बाहर, यस क्योंकि यहाँ से इसी तरफ से गोलियां और चल रही थी, देखने जाता हूँ मैं बंदे का है, अब देखो जोन के अंदर ही आ चुके थे, ये दौड़ लगा रहा है, बॉडी शॉट देता हूँ, ये हुलिया नाव पेटी पे लेंगे बिल्कुल, अब इसकी पेटी पेल दी, देखो दूसरा बंदा भी होता है, ये बैठा है इस पत्थर के पीछे, अब मेरे को उड़ के जाना था यहाँ पे, मैं टाइम पास ज्यादा कर देता हूँ, अगर उस बंदे ने देख लिया गलती से मैं ठिल जाऊंगा, कुछ नहीं है बचने के लिए, ऊपर से संजू बीन भी नहीं खा रखी है, तो मैं क्या करता हूँ भाग के जैसे तैसे इस पेड़ के पीछे आता हूँ, बस अब सही है, पेड़ के पीछे आता हूँ, फिर मेरे टीममेट लोग गड्डी ले आते हैं, अरे असली गड्डी बनाओ, एक यहाँ ये हरी गड्डी इस पे चलेंगे, तो यहाँ पे मैं इस गाड़ी पे रस कर रहा होता गाइस, ये बंदा पेड़ या इसी पत्थर के आसपास है, देंगे हेडशॉट बिल्कुल देंगे, गड्डी रोकता हूं यहां पे, ये रहा कैसे मिस हो गया,
तो हाँ जल्दी जबाजी के चक्कर पे मिस हो गया था शॉट, लेकिन अब पेली दिया। और देखो कितने किल है, 36। चार किल चाहिए 40 किल करने के लिए, मात्र 4 किल और बंदे मात्र 4 अलाइव है, चारों एक ही टीम के। लेकिन मैं एक नलबाजी कर देता हूँ और वो नलबाजी समझ लो लगभग इस गाड़ी के चलते ही कह सकते हैं सब। खैर अभी देखो यहाँ से मैं इसी गाड़ी घुमा रहा होता हूँ, ढूंढ रहा हूँ असल में बंदे गए कब। इतने में मेरे दूसरा टीममेट अलग घूम रहा होता है, अलग अलग ढूंढेंगे ताकि ये पहले ना ठिल जाए किसी और के हाथ। तो लेकिन यहाँ पे पता चलता है ये पहाड़ पे बैठे हैं, डेरा डाल रखा है। और देख रहे हो पूरे के पूरे 4 बंदे एक साथ गोली चला रहे हैं। मेरे टीममेट की ऐसी तैसी कर देते हैं, हमारे भाई कहीं पत्थर पे जाके छुप के बैठे हैं। मैं इस गाड़ी के पीछे आता हूँ, देख रहा होता कोई दिख जाए, लेकिन यार मौका नहीं मिल रहा होता स्नाइपिंग करने का, मौका बिल्कुल ऐसा नहीं कि जहर मौका नहीं मिल रहा होता। तो मैं क्या करता हूँ, गड्डी लेता हूँ, गड्डी रोकी यहाँ पत्थर पे और यहाँ से पेलने की कोशिश करेंगे। और देखो एक बंदा ऐसे भाग रहा था, बॉडी शॉट में देता हूँ, बॉडी शॉट से काम नहीं चलेगा, जमाना जा चुका है, ये हेडशॉट देना पड़ेगा जी। तो यहां से मैं देख रहा हूं तो ये दिखा बंदा, अब उसमें भी कोई स्नाइपर थी शायद से, कार 98 M2 है, मैं ठीक से आवाज सुन नहीं पाया, लेकिन स्नाइपर चलाई थी उसने। खैर बड़ा अब करना क्या था, मैं रस कर देता हूं, यही गाड़ी लेके जाएंगे बिल्कुल चौड़ पे और दिक्कत हो जाती है चौड़ पे, ये गड़बड़। मैं कर देता हूँ एक बेवकूफी, गड्डी की चौड़ पे आके मैं ऐसी बेवकूफी करता हूँ, 40 किल भूल जाओ, कद्दू पकड़ के झूल जाओ, क्योंकि 1 किल मेरे टीममेट का यहाँ पे नॉक हो जाता है। तो और वो बंदे रिवाइव भी नहीं करते, मैं तो चाहता था रिवाइव दे दे, अब मैं नलबाजी नहीं करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होता भाई गाइस, ऐसा नहीं होता, वो ठिल जाता है। तो हाँ 1 किल कम पड़ जाएगी लगता है। खैर बड़ा अभी भी 2 बंदे बाकी है, इनको पेलने के लिए मैं बोलता हूँ गाड़ी को छोड़ो, गाड़ी पे बैठता हूँ तो ज्यादा ही जोशीला हो जाता हूँ मैं, पैदल रस करेंगे। लेकिन मेरे को क्या पता था ये पहले ही पहुंच चुके हैं कैंप लगा के, ये पत्थर पे ही बैठे आगे, खत्म, गड़बड़ हो गई है यहाँ पे, मेरा टीममेट पिट चुका है। लेट गो आते तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, मैं डालता हूँ ये ले आखा और यह बच गया फिर से, और ये हो जाते हैं अपने 39 किल। लेकिन यार मैं जैक सेट के गाइस 39 किल हो तो गए, लेकिन एड वाज बैड बाय गाइस, एड वाज बैड, क्योंकि 39 एक किल से मैं चूक गया 40 हो रहा था इस मैच में भी। और इस बार की गड्डी तुम्हारे भाई की सातों आसमान पे पहुंची होगी मेरे को लगता है। लेकिन आज किस वीडियो तक गाइस बहुत शुक्रिया, ठोकते हुए क्या बात है 40 किल नलबाजी करके छोड़िए, एक गड्डी की वजह से जोश पे आ गया भाई, क्या मतलब गाड़ी को बिन बात दोष दे रहा हूँ। लेकिन कल मिलता है, बाय बाय।